बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी की, श्री नरेंद्र मोदी की, श्री जेपी नड्डा की, श्री वसवराव बोम्मई की, श्री येदियुरप्पा की, श्री धीरज मुनिराज की, श्री अन्ना मलाई की, सारे नेताओं की, सारे कार्यकर्ताओं की, कर्नाटक की, राजस्थान की, हिंदुस्तान की। भाषण खत्म। अभी हमारे केंद्रीय मंत्री देवी सिंह चौहान जी ने बहुत कम शब्दों में, कुछ आपके समझ में आई होगी कुछ नहीं आई होगी, लेकिन इतनी जरूर समझ में आ गई, इस बार डोडा बल्लापुर की सीट भारतीय जनता पार्टी और धीरज मुनिराज अच्छे मार्जिन से, पूरे बहुमत से, मजबूती से जीतेंगे। दूसरी बात जो समझ में आई वो बात है कि डोडा बल्लापुर जीतेंगे तो ही डोडा बल्लापुर भी जीतेंगे, बेंगलुरु ग्रामीण की चारों सीटें जीतेंगे और कर्नाटक में एक बार फिर से पूरे बहुमत की सरकार बनाएंगे, डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। अब डबल इंजन की सरकार क्यों जरूरी है? एक इंजन तो मोदी जी का मजबूत है, जिन्होंने भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया, 370 कदम किया और कर्नाटक से लेकर, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और कच्छ से लेकर कोहिमा तक हिंदुस्तान के नक्शे को बिना किसी भेदभाव के निरपेक्ष तरीके से गरीब को अन्न और राशन देने का काम, कोविड में वैक्सीन देने का काम, जिसके पास आवास नहीं है, घर नहीं है, उनको छत देने का काम, जिनका बैंक अकाउंट नहीं उनको बैंक अकाउंट देने का काम, जिनको स्वास्थ्य का बीमा, हेल्थ का इंश्योरेंस देने का काम, तो ये सारे काम किए। और अब तो लोग कहते हैं हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनेगा, इतना तो आपको भी पता है कि हम अंग्रेजों के गुलाम होते थे, लेकिन आज हिंदुस्तान उन्हीं अंग्रेजों को पछाड़कर दुनिया की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बना है, फिफ्थ लार्जेस्ट वर्ल्ड इकोनॉमी भारत बना है, वर्ल्ड की इकोनॉमी का फिफ्थ लार्जेस्ट नेशन ऑफ द वर्ल्ड। तो हम समझ सकते हैं किस तरीके से भारत की तरक्की हुई है, भारत का स्वाभिमान ऊंचा हुआ है। कर्नाटक में भी सुरक्षा चाहिए, किस तरीके से पीएफआई ने कर्नाटक की सुरक्षा को ग्रहण लगाया, तो कर्नाटक को कोई सुरक्षित रख सकता है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार रख सकती है। अमित शाह जी ने पीएफआई को बैन करके यहां पर इस तरीके की गतिविधियों को लगाम लगाया और कर्नाटक को सुरक्षित किया। तो कर्नाटक को सुरक्षा चाहिए, कर्नाटक को हाईवे चाहिए, कर्नाटक को रेल डेवलपमेंट चाहिए, कर्नाटक को एम्प्लॉयमेंट चाहिए, कर्नाटक को इन्वेस्टमेंट चाहिए। ये सब काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कर्नाटक में किया। और इसलिए फ्रेंड्स, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आई एम स्टेइंग हियर सिंस 17 एंड आई सॉ 18 वेरी ह्यूज रैली ऑफ नॉमिनेशन एंड आई थॉट दैट डे द पीपुल ऑफ डोडा बल्लापुर डिसाइडेड टू इलेक्ट धीरज मुनिराज एंड भारतीय जनता पार्टी हियर इन डोडा बल्लापुर। इसके लिए करना क्या है? पब्लिक के सेंटीमेंट आपके साथ में है, धीरज ने कोविड से लेकर अब तक सबकी सेवा की है, यंग है, डोडा बल्लापुर को आने वाले लंबे समय तक सेवा दे सकता है, लेकिन मोदी जी ने अच्छा काम किया, कर्नाटक की बीजेपी ने अच्छा काम किया, पर डोडा बल्लापुर इससे पहले
मुझे हनुमंता बता रहे थे कि हमारे कभी 1000 वोट आता था, कभी 2000 आता था, और जब 3000 आता था खुश होते थे कि 1000 से तो ज्यादा आया है। लेकिन जब इतनी टिपिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी में जनता आपके साथ खड़ी है, लोग आपके साथ खड़े हैं, नेता आपका मजबूत और सक्षम है, तो एक ही काम करना है कि जब तक काउंटिंग नहीं हो जाए और काउंटिंग से धीरज मुनिराज सर्टिफिकेट नहीं ले ले, तब तक डोडा बल्लापुर का एक एक कार्यकर्ता चैन की नींद नहीं सोएगा, पूरा परिश्रम करेगा। और मैं यकीन और भरोसे के साथ कह सकता हूं कि डोडा बल्लापुर की ये सीट आप सब कार्यकर्ताओं के पसीने और परिश्रम से निश्चित रूप से हम लोग जीतेंगे। इसके लिए ये करना पड़ेगा कि एक एक घर को, आपका मंडल अच्छा काम कर रहा है, कार्यकर्ताओं को मैं देखता हूं इतनी समर्पित फौज है, पूरी आर्मी है, ये पूरी आर्मी कांग्रेस से अच्छा मुकाबला कर सकती है। हमारे यहां शक्ति केंद्र है, महाशक्ति केंद्र है, बूथ की रचना है, बूथ में भी आपने चार चार प्रमुख लोगों की लिस्ट बनाकर दी है, पंचरत्न आप लोगों ने बनाए। अब जरूरत इस बात की है कि मोदी जी का विचार, कर्नाटक की बीजेपी का विचार, कर्नाटक की बीजेपी के काम और धीरज मुनिराज की सेवा का संकल्प, इनको सबको लेकर जाएंगे। तो मुझे पूरा भरोसा है और मैंने आदरणीय चौहान साहब को भी अश्योर किया आप सबकी तरफ से, एंड इफ यू परमिट कैन आई अश्योर चौहान साहब दैट दिस सीट वी विल डेफिनेटली विन बाय लेबर, बाय हार्ड वर्क ऑफ आवर वर्कर्स। तो मैं आपको पूरे भरोसे से कह सकता हूं कि एक एक घर, वोटर लिस्ट का एक एक पन्ना, एक एक पेज, आपके यहां पेज समिति भी बनी है, पेज प्रमुख बना है, कार्यकर्ताओं में एक एक वोटर तक, घर तक नौ करना है। जितनी हमारी फ्लैगशिप स्कीम्स हैं उनको उनके दरवाजे तक ले जाना है। और केवल कर्नाटक नहीं, पूरा हिंदुस्तान आज कर्नाटक के कार्यकर्ताओं की तरफ देख रहा है। किसलिए देख रहा? ये कर्नाटक, ये भारतीय जनता पार्टी का पहला गेटवे है। कर्नाटक में जीतेंगे, तेलंगाना में जीतेंगे, और मैं आपको भरोसा देता हूं कि हम राजस्थान में जीतेंगे और 2024 में फिर से हिंदुस्तान में जीतेंगे। तो मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना कि नहीं बनाना है? बनाना है। तो मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का रास्ता, पूरी मजबूती से ये लड़ाई हमें कर्नाटक की लड़नी है, फिर तेलंगाना की लड़ाई लड़नी है, राजस्थान की लड़ाई लड़नी है, पूरी हिंदुस्तान की जनता की निगाह कर्नाटक की जनता पर, कार्यकर्ताओं पर है। मुझे आप पर पूरा भरोसा है क्योंकि मैं पिछले एक हफ्ते से हूं। जिस तरीके से आप लोग आतिथ्य सत्कार करते हैं उसी तरीके से वोटर का भी सत्कार करना है, वोटर के बीच में ट्रस्ट पैदा करना है, भरोसा पैदा करना है। उस भरोसे के आधार पर हम सब लोगों को ये चुनाव की जंग जीतनी है। हम लोगों से जो बन पड़ेगा हम करेंगे, हम एक सहयोगी के नाते आपके बीच में हैं। जिस तरीके से मैं देखता हूं कि पब्लिक का परसेप्शन हमारे पक्ष में है, जो कैंडिडेट है किसी भी जगह चले जाओ, दुकान पे, खेत पे, मकान पे, सब ये कहेंगे, मैं पूछते हैं अनोन पट के भी हम लोग कई बार, तो पूछते हैं उनसे क्या होगा कि यहां तो धीरज मुनिराज जीतेगा। हम बताते नहीं हम कौन लोग हैं, लेकिन खुशी होती है कि जब कोई लेमैन ये कहता है कि यहां तो भारतीय जनता पार्टी और धीरज मुनिराज ही जीतेगा, तो जब आपने जीत की बुनियाद रख दी, फाउंडेशन रख दी, तो जीत की इमारत भी आप सब लोगों को खड़ी करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद।